फ्रेंड्स, वी ऑल आर अवेयर दैट ऑल ऑफ अस आर बॉर्न इक्वल बट वी डाई एज अनइक्वल्स। मतलब जन्म के समय हर एक इंसान एक जैसा ही होता है, मगर अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान हमारे डिफरेंसेस या अनइक्वालिटीज बढ़ती जाती हैं। कुछ लोग ज्यादा रिच हो जाते हैं, कुछ ज्यादा वॉइस, कुछ अच्छे और कुछ बुरे बन जाते हैं। इन सब के पीछे जिस एक एलिमेंट का सबसे बड़ा हाथ है, वह है हमारी हैबिट्स, जो हम अपनी लाइफ के दौरान डेवलप करते हैं। इसीलिए फेमस फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने कहा था, ऑल पीपल आर सेम, ओनली देयर हैबिट्स डिफर। जिंदगी में हम जो कुछ भी अचीव करते हैं या जो अचीव नहीं कर पाते, उसमें हमारी हैबिट्स का मेन रोल होता है, क्योंकि एक छोटी सी मिनिस्क्यूल हैबिट में रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल लेवल्स तक अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। यह सब डिस्कस करने के पीछे मेरा एम बस एक बात को एम्फेसाइज करना है, और वह यह है कि एक सही हैबिट, चाहे वह कितनी छोटी ही क्यों ना हो, हमें इस दुनिया में सब कुछ दिला सकती है। और इसी तरह से एक बुरी हैबिट, चाहे कितनी भी छोटी हो, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचने से रोक सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल और अमेजिंग सीक्रेट्स के बारे में, जिनसे आप इजिली स्टेप बाय स्टेप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर और गुड हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ की जर्नी को प्लेजरेबल, मीनिंगफुल और फुल ऑफ अचीवमेंट्स बना सकेंगे। इजी अंडरस्टैंडिंग और इम्पैक्टफुल कम्प्रहेंशन के लिए वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। किसी भी हैबिट, अच्छी या बुरी, के बनने के लिए चार इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। जैसे कि स्मोकिंग का पोस्टर या एड देखकर ब्रेन को एक क्यू या सिग्नल मिलता है, जिससे कि बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस और लर्निंग, स्मोक करने की क्रेविंग हमारे अंदर जाग उठती है। इस क्रेविंग के रेस्पॉन्स में आप सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगते हो, या इस स्मोक करने की डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटी शुरू कर देते हो, और यही क्रेविंग्स के अगेंस्ट आपका रेस्पॉन्स होता है। आपके रेस्पॉन्स से आपका दिमाग आपको प्लेजर का रिवॉर्ड देता है। यह रिवॉर्ड बिल्कुल एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरह होता है, और इसी तरह से रिवॉर्ड पाने के लालच में हमारा दिमाग एक क्यू पर क्रेविंग और रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, और हमारे अंदर हैबिट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम क्यू मिलने के बाद क्रेविंग या रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर लें, तो बुरी आदतों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कैसे करना है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी देखते हैं अच्छी आदतें बनाने के चार इजी स्टेप्स, फोर स्टेप्स फॉर फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों को बनाने का मंत्र है OAES, यानी कि ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सैटिस्फाइंग। हैबिट बनाने के पीछे आपका गोल ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और कितना। जैसे आप अगर बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आपका ऑब्वियस गोल हो सकता है एक महीने में चार किताबें पढ़ना। ऐसे ही वेट रिड्यूस करने के लिए महीने में 2 kg वेट रिड्यूस करने का क्लियर गोल रखा जा सकता है। दूसरा स्टेप है अट्रैक्टिव, यानी कि अपने गोल को पाने के प्रोसेस को अट्रैक्टिव बनाना। जैसे कि एक बुक कंप्लीट करके या दिन के 10 pages पढ़ के आप अपना फेवरेट टीवी शो या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वैसे ही दिन का जिम का गोल अचीव करने के बाद अपना फेवरेट म्यूजिक सुनकर प्रोसेस को अट्रैक्टिव या एंजॉयबल बनाया जा सकता है। तीसरा स्टेप है इजी, मतलब गोल इजी या अचीवेबल रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव करके कंटिन्यूअसली मोटिवेट रह सकें। जैसे कि महीने में 4 किताबें पढ़ने का गोल रोज के बस 20 pages पढ़कर आसानी से अचीव कर सकते हैं, और वैसे ही महीने में 1 kg या 2 kg वेट रिड्यूस करना एक इजी और प्रैक्टिकल गोल है। चौथा स्टेप है सेटिस्फाइंग, मतलब ऊपर के तीनों स्टेप्स को फॉलो करने से कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, जिससे आपको उस हैबिट को जारी रखने का मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपका वेट रिड्यूस होने और मसल्स के टोन होने से आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है, और आप अपनी एक्टिविटीज और एफर्ट्स जारी रखते हैं, और इसी तरह से आपके अंदर फिट रहने की हैबिट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से जब आप रोज बुक्स रीड करते हैं, तो जो कुछ भी आप नया सीखते हैं, उस नॉलेज की कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है, और आप खुद को ज्यादा वाइज महसूस करते हैं, जिंदगी की सिचुएशन में सही और बेटर डिसीजंस लेते हैं। मेकिंग द हैबिट्स लास्टिंग, हैबिट्स को करने का प्लेस और टाइम डिसाइड करने से उनको लास्टिंग या परमानेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। जैसे अगर रोज सुबह या शाम किसी एक सर्टेन टाइम पर और अपने घर के किसी सर्टेन प्लेस पर आप बुक रीड करते हैं, तो वह समय और वह प्लेस हैबिट्स फॉर्मेशन के लिए क्यू का काम करने लगता है, और इस तरह से आप रेगुलरली और लंबे समय तक रीडिंग करते रहते हैं, और यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और एफर्टलेस बन जाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ टाइनी हैबिट्स। फ्रेंड्स, हमारी छोटी या टाइनी हैबिट्स भी कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करती हैं। मतलब रोज का केवल एक पेज पढ़ना एक ही साल में आपका नॉलेज इतना बढ़ा सकता है कि आप एक स्कॉलर, थिंकर और एनालिस्ट बन सकते हैं। रोज की बस 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको दुनिया का बेस्ट फिजिक या फिटनेस दे सकती है। हमें अपना समय ऐसी ही पर्पसफुल एक्टिविटीज में स्पेंड करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में ह्यूमंस के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक क्या है, तो आप वीडियो देखने के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपकी हैबिट्स ही
ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। आप अपनी बुरी हैबिट्स को टाइनी बट गुड हैबिट्स से रिप्लेस करके अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। योर एनवायरनमेंट मैटर्स, आपकी कंपनी और एनवायरनमेंट भी मैटर करती है आपकी हैबिट्स के फॉर्मेशन में। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं तो उनकी बातें या जो बुक्स वो लोग कैरी करते हैं वो आपके लिए भी क्यू का काम करने लगते हैं और आप भी रीडिंग हैबिट आसानी से फॉर्म कर पाते हैं। और सेम चीज स्मोकिंग के साथ भी होती है। अगर आप ऐसी कंपनी में है जहां पर लोग स्मोकिंग करना पसंद करते हैं तो वहां पर आपको खुद को स्मोकिंग की लत में डालने के बहुत सारे क्यूज मिलते रहते हैं। मतलब आपको जैसी हैबिट फॉर्म करनी है तो सबसे पहले वैसी एनवायरनमेंट या कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बुक रीडिंग रिलेटेड मोटिवेशन के लिए आप विजग्रो या ऐसे ही किसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि समय समय पर आपको बुक रीडिंग के क्यूज मिलते रहें। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया है और इसे इजिली एक्सरसाइज करने का तरीका है क्यू क्रेविंग रेस्पॉन्स रिवॉर्ड साइकिल में क्रेविंग और रेस्पॉन्स को ब्रेक करना। मतलब बुरी हैबिट का क्यू मिलने पर उसकी क्रेविंग आने से पहले दूसरी किसी एक्टिविटी में लग जाएं जिससे कि साइकिल कंप्लीट ना हो पाए और धीरे धीरे बुरी हैबिट्स छूट जाएंगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी गोल अचीव करने के लिए जरूरी हैबिट्स को फॉर्म करके धीरे धीरे गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ये स्लो प्रोसेस ही आपकी जर्नी को प्लेजेंट बनाता है और आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट रखने के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट होने से भी रोकता है। The law of least effort। इसका मतलब है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको 5 स्किल्स को डेवलप करना है तो उनमें से जिस स्किल में सबसे कम एफर्ट लगे उसे पहले शुरू कर देना चाहिए। इससे न केवल आप तुरंत अपने गोल को पाने की एक्टिविटी में लग जाओगे बल्कि धीरे धीरे इन द प्रोसेस आप इतना मेंटली स्ट्रांग भी बन जाओगे कि बाकी 4 डिफिकल्ट स्किल्स भी बड़ी आसानी से सीख पाओगे। यह तरीका आपको ओवर थिंकिंग से बचाकर एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है और आपको तो पता है कि रिजल्ट्स तो एक्शंस लेने पर ही मिलते हैं। 2-मिनट रूल। यह रूल हमारे डेली लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अनुसार स्पेशली जब आपको काम टालने का मन करे तब जो भी इम्पोर्टेंट काम जो कि आपको आपके गोल की तरफ ले जाता है उसे मन को यह बताकर कि आप उसे कम से कम 2 मिनट के लिए पक्का करेंगे, आपको तुरंत उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि इन द प्रोसेस आप उस काम को एंजॉय करने लगेंगे। इस तरह से आप न केवल प्रोक्रेस्टिनेशन से बचेंगे बल्कि अपने गोल्स को टाइमली अचीव भी कर पाएंगे। कंक्लूजन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट ने बैड हैबिट्स के बारे में क्या कहा है। बैड हैबिट्स आर लाइक चेन्स दैट आर टू लाइट टू फील अंटिल दे आर टू हैवी टू कैरी। आज हमने देखा कि ये हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमारी लाइफ में सारे डिफरेंसेस को बनाती हैं। सही हैबिट्स को बनाकर हम इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते और गलत हैबिट्स की वजह से अपने पास का सब कुछ हो भी सकते हैं। और इसीलिए आज हमने समझा कि हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं, अच्छी हैबिट्स को कैसे हम आसान 4 स्टेप्स यानी कि ऑब्वियस अट्रैक्टिव इजी और सेटिस्फैक्ट्री का यूज करके कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक टाइनी हैबिट का कंपाउंड इफेक्ट कैसे हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और कैसे हमारी हैबिट्स ही लाइफ में हमारी पहचान बन जाती हैं। इन हैबिट्स के फॉर्मेशन में हमारी कंपनी और हमारी एनवायरनमेंट एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करती है। बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए सेल्फ कंट्रोल का यूज करके क्रेविंग और रेस्पॉन्स को ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट है। साथ ही टाइम प्लेस को फिक्स करके व लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट और 2-मिनट रूल को फॉलो करके हम अच्छी हैबिट्स को लास्टिंग एफर्टलेस और परमानेंट बनाकर अपने सपनों को बड़ी आसानी से सच बना सकते हैं। होप आज के आइडियाज से आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने वाली हैबिट मिल गई होगी। ये आइडियाज मैंने जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स से सीखे हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि लाइफ में पर्पस बनाने की क्या जरूरत है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंटिन्यू रिसीविंग सच आइडियाज रेगुलरली। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।